बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार की नेमतों बरकतों और नेमतों के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अभी हम गांव आए हुए थे रात को, और अभी सुबह सुबह शहर दोबारा वापस जा रहे हैं, क्योंकि बारात की तैयारी जो है वो शहर में जाकर करनी है, वो नए घर से, और वहीं से ही बारात जो है ना वो निकलेगी, और शाम को जो दुल्हन को लेकर वहीं पर जो है ना वो मतलब रुख्सती जो होगी वो वहाँ ही होगी। तो अभी दोबारा तो गाँव आना नहीं है, अभी से जो है ना वो बारात की तैयारी कर लेते हैं। बेगम साहब सलाम दुआ कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई जो जितने भी हैं खुश रहना बाद रहे, और मैं भी अल्लाह ताला की खैर करूँ से बिल्कुल खैर। मेरे भाई की बारात है तो बड़ी खुशी है, अल्लाह ताला बाद करे तो थोड़ा सा काम भी है। अम्मी भी फौत हुई, भाई भी तकरीबन 2 महीने हुए थे फौत होने, तो फिर सारे काम करने ही होंगे ने, अल्लाह जात इन्होंने कामयाब दे करे। उसी भी भैन भरा दुआ करने के अल्लाह कामयाबी दे, ते चलने आए हूँ शहर पर इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो ना बस मसला यही था कि ब्रदर इन लॉ जो ना सबसे बड़ा था, वो तकरीबन 3 महीने पहले जो उसकी डेथ हो गई हुई थी, लेकिन ये शादी तय पा चुकी हुई थी, तो इसको तो फिर करना ही था। वैसे भी जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन पिछले काम तो सारे फिर करने ही पड़ते हैं इंसान को। नहाने की तैयारी चल रही है जी, और अभी बस इन करीब है बारात निकलने के लिए, तो अभी कपड़े जो है ना वो पहनने हैं और उसके बाद रेडी हो जाना है। बाल कटवाए हैं ना तो ज़्यादा छोटे हो गए, तो अभी ये बाल जो है ना ऊपर खड़े हो गए हैं, और डाई यहाँ से मिली नहीं है, क्योंकि ड्राई हो जाते ना एक बार फिट हो जाना था इन्हें। आगे बैठ बो 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 जी गैस। तो अभी बारात जो है ना वो रवाना हो चुकी है, लेकिन हमारा सफ़र जो है वो बहुत ही कम है, तकरीबन 0.3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चौथा हिस्सा जो है ना वो बनता है हमारा सफ़र। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बारात निकले हैं, तो अभी अभी हम बारात जो है ना वो वहाँ पर पहुँच भी जाएगी। जी बहू पक्का अद्धा जहलदार बनिया का नंबर ठंडी है गड्डी, है गड्डी ठंडी है ना।
थोड़ा जि आगे हो गए, थोड़ा जि आगे हो गए, पैसे सट्टो ना थोड़ा जि पर दूर हो गए सट्टो पैसे। I'm not afraid of the dark.
अल्हम्दुलिल्लाह ये जहेज़ का सामान है जो अभी आपने देखा, ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे कल्चर में, इसी तरह का सामान जो है वो दिया जाता है। ये हमारा जो एक रिवाज है, ये देखें आप, इस तरह के पंखे शहरों में नहीं होते, गांव में होते हैं, ये हाथ से बना हुआ है, हैंड मेकिंग है ये। और इसके अलावा वो पहले वाला सामान कुछ और भी है, लेकिन वहाँ पर अभी लेडीज़ वगैरह जो है ना वो खड़ी हुई हैं, तो इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदर बर्तन जुड़े हुए हैं, वो सारे डिनर सेट हैं। ये जो हैं बिस्तरे हैं सर्दियों और गर्मियों दोनों के, और तीन चार पहियाँ हैं, और उनके साथ ये सोफ़ा सेट है, टेबल है, छोटे टेबल हैं, ये बेड है, और ये उनके पहनने की चीज़ें हैं सारी। और ये सेफ़ अलमारियाँ हैं दो, एक ये शीशे वाली है, अभी आप मैं आपको नज़र भी आ रहा हूँगा, तो एक बग़ैर शीशे के। और ये डिनर सेट वगैरह पड़े हैं, और बाकी सामान है, ये एक कूलर है, वॉशिंग मशीन है, खाना वगैरह खा के ना अभी निकले हैं बाहर, रश बहुत ज़्यादा था और जगह भी बहुत कम जो है ना वो है, तो इसलिए मैं अभी खाना खा के बाहर आ गया हूँ, तो फिर आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। और वैसे आपको पता है कि मैं खाने वगैरह की वीडियो जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि शेयर नहीं करनी चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, तो बाकी लोगों का पता नहीं। रुख्सती की तैयारी जो है ना वो अब होने जा रही है, क्योंकि गाड़ी जो है वो दूल्हा की वो जा रही है अभी। दुल्हन का सामान जो है वो ट्राली पे लोड करके वो ले जाया जा रहा है। अंधेरा हो गया है तो वीडियो आपको सही नजर ना आ रहा है। गाड़ी अभी लगाई जा रही है, क्योंकि रुख्सती के जो है ना वो वक्त हो गया है। रुख्सती का वक्त जो है वो बिल्कुल आन पहुंचा है जी। आपने जो ढोल की थाप सुनी है, ये स्पेशल थाप जो है ना ये रुख्सती के वक्त बजाई जाती है, और इससे जो है वो अंदाज़ा आसपास पड़ोसियों को भी हो जाता है कि अब रुख्सती जो है ना वो होने वाली है। तो जो घरों में लोग बैठे होते हैं इसी इंतज़ार में कि कब रुख्सती होगी, हम दुल्हन को देखने जाएंगे, तो ये एक मुनफरिद स्टाइल होता है ढोल बजाने का, कि लोगों को पता चल जाता है कि ये रुख्सती वाला ढोल जो है ना ये बज रहा है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक तो रात काफ़ी हो चुकी है और दूसरा वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी आज तो। लेकिन शादी अभी ख़त्म नहीं हुई है, शादी कल का दिन भी है, तो अभी के लिए यहीं पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सफदर हुसैन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।
अल्लाह हाफिज। वो एक बच्चा सामने से टकरा गया तो इसलिए ना वीडियो जो है ना गड़बड़ हो गई। दुल्हन जो है वो घर पर आ गई है और अभी जो है उसकी रसूमात वगैरह जो है वो की जाएंगी, उनके साथ बैठकर तस्वीरें वगैरह या उनको सलामी या उनको जो भी रसूमात होती हैं गांव में रहने वालों की तो वो की जाएंगी।